अस्सलाम वालेकुम, मैं उहानिया टीवी 99 न्यूज एचडी के साथ। अब चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। एक अहम खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन थाना फरीदनगर एसएचओ अफजल जितोई की हदूद में वारदातों का सिलसिला ताहाल ना रुक सका। लतीफ बेकरी में वारदात नामालूम अफराद गन प्वाइंट के जोर पर नकदी रकम और मोबाइल लेकर फरार हो गए। डकैती की वीडियो टीवी 99 न्यूज एचडी ने हासिल कर ली। आपको बताते चले कि चंद रोज पहले भी डाकुओं ने 5 घरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि चंद रोज कबल भी डाकुओं ने 5 घरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में बिल्कुल नाकाम है। शहरियों ने डीपीओ पाकपतन, आरपीओ साहिवाल और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाकाबिल और सुस्त एसएचओ अफजल जतोई की जगह कोई और जिम्मेदार अफसर की ड्यूटी लगाई जाए। हाफिज मोहम्मद बिलाल, टीवी 99 न्यूज एचडी, पाकपतन। सुबह टेक सिंह में म्यूनसिपल कमेटी के अमले की शहर भर में नजायज तजावजात के खात्मे के लिए और मास्क ना पहनने के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी, जिसमें सदर बाजार, छोटा रेल बाजार, शॉर्टकट रोड और जंग रोड शामिल है। दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर जुहेब अहमद अंजुम ने दीगर अफसरान के हमरा सहूलत बाजार का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया के मियार को भी चेक किया। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास से। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जुहेब अहमद अंजुम ने दीगर अफसरान के हमरा हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दुनियापुर शहर और दुनियापुर के नवाही इलाके कतबपुर में शहरियों को कंट्रोल रेट पर मियारी अशिया की फरहमी के लिए लगाए जाने वाले सहूलत बाजारों का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जुहेब अहमद अंजुम ने सहूलत बाजारों में फरहमी अशिया, खुर्दनोश और अशिया जरूरिया की नरखों और मियार को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर जुहेब अहमद अंजुम का इस मौके पर कहना था, सहूलत बाजारों में मुकर्रर कीमतों पर अशियाए जरूरिया और अफर मकदार में फराहम की जा रही हैं। सहूलत बाजारों में आटा भी वाफिर मकदार में मौजूद है और कंट्रोल रेट पर आवाम को दिया जा रहा है। सहूलत बाजारों में अवामी शिकायत सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर अवाम बआसानी अपनी शिकायत का अंदराज करवा सकते हैं और मुतलका इंतजामिया ने शिकायत का बरवक्त अजाला कर देगी। वकास विकी, टीवी 99 न्यूज एचडी, दुनियापुर। बिहाड़ी में आईजी पंजाब की हिदायत पर महकमा पुलिस को जदीद सहूलियात से रास्ता करने के लिए बिहाड़ी में जदीद बिल्डिंग्स के साथ नई चीजों को मुतारफ करवाया है। जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है, जिसके लिए विहाड़ी में पुलिस के लिए जदीद बिल्डिंग्स बनाने का काम जारी है। डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने एक्सीन और एसडीओ बिल्डिंग इकबाल गोरिया के हमरा थाना सदर की बिल्डिंग का जायजा लेते हुए कहा कि आईजी पंजाब ने पुलिस रिफॉर्म्स का तहैया कर रखा है, जिसके लिए पुलिस में शफाफियत लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि लायंस ब्रांच को मुकम्मल कंप्यूटराइज किया जा रहा है, ताकि लाइसेंस बनवाने में कोई भी रुकावट ना हो। इन्होंने कहा कि जनवरी के आखिर तक सदर थाना की नई बिल्डिंग तकमील कर ली जाएगी। डीपीओ ने जारी काम को तसल्ली बख्श करार देते हुए काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहम्मद खालिद, टीवी 99 न्यूज एचडी, विहाड़ी। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफियों नवाब शाह, प्रेस क्लब के साबिक सदर कामरान अजीजुल्ला अबड़ो पीर के रोज पेल्स मेडिकल कॉलेज और हस्पताल में इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 7 माह से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। मरहूम को हाजी नसीर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सहाफियों, वकला, डॉक्टरों समेत सियासी और समाजी तंजीमों, ओहदेदारों और कारकुनों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कामरान अजीजुल्ला अबड़ो की उम्र 70 बरस थी और वो गुज़िश्ता 50 बरस से सहाफत से वाबस्ता थे और मुख्तलिफ टीवी चैनल और अखबारात से मुंसलिक रहे। कामरान अबड़ो के सोगवारान में एक बेवा, 5 बेटे, 4 बेटियों समेत सैकड़ों अजीज और अकारिब दोस्त शामिल हैं। तालिब हुसैन, खानजादा, टीवी 99 न्यूज एचडी, नवाब शाह। खबर शामिल करते हैं सिलावाली से। जिया शहीद रोड पर तनवीर कस्टमर सर्विस एंड मोबाइल और इंडियन क्लॉथ हाउस पर लाख रुपए की चोरी की वारदात। चोर मोबाइल और लाख रुपए नकदी लेकर फरार होने में कामयाब। सिलावाली शहर में दिन ब दिन क्राइम में इजाफा। पुलिस नाकाम होते दुकानात में एक माह में रात के वक्त छत फाड़ कर लाख रुपए की कामयाब चोरी की वारदातें। 8 दिन पहले भी केएम मोबाइल पर लाख रुपए की वारदात। पुलिस इन वारदातों का खोज निकालने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। याद रहे, ये चोरी की वारदातें रात दिन चलने वाले बाजारों में हुई है, जहाँ रात के वक्त गार्ड भी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। गार्ड ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद भी कामयाब चोरी की वारदातें हो रही है। इसी तरह चोरों ने राजिया रोड पर वाकया तनवीर कस्टमर सर्विस एंड मोबाइल्स और इल्मदीन क्लॉथ हाउस की दुकानों की छत फाड़ कर लाखों रुपए की नकदी रकम और मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। रात के दौरान ड्यूटी गार्ड चोरी की वारदात होना पुलिस शहरियों के लिए अलमिया है और ये चोरी की वारदातें पुलिस के लिए भी चैलेंज की मुतरदीफ है। पाकपतन धुंध के बायस मुनाजर धुंधलाए तो डाकुओं के बाद चोर भी मैदान में निकल आए।
पाक पतन के गांव महकमलदीन बोदला बब्बड़ और तीन केबी में चोर ट्यूबवेल से लाखों रुपए के मीटर और तारे लेकर फरार। मैं इथों का काश्तकार हां जी, साढ़े राती चोर आए ने ट्यूबवेल तारा भी लाल गए सारियां सोच स्टार्ट। एक ही इलाके में पांचों वारदातें फजर के वक्त पेश आईं, जिससे पाक पतन में 8 दिन के अंदर होने वाली चोरी डकैती की वारदातों की मजमूई तादाद 13 हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने डाकुओं को पकड़ने के बजाय जराइम की रिपोर्टिंग रोकने के लिए सहाफियों की क्राइम डायरी तक रसाई ही रोक दी। असगर अली, TV99 न्यूज HD, पाक पतन। अब रुख करते हैं विहाड़ी की तरफ। विहाड़ी शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजा सरापा एहतजाज है। SHO थाना दानीवाल को तब्दील करने का मुतालबा। मैं अपने RPO साहब से अपील करूंगा, खुदा रहा इस दानेवाल एरिया को कंट्रोल किया जाए। यहां पर पुलिस का ना मौसम निज़ाम है, बल्कि दिन रात चोरी, मोबाइल की चोरी, घरों में चोरी, खवातीन के साथ चोरी, ये आए रोज ये मामूल बन चुका है। पुलिस किसी किस्म की कोई दादरसी नहीं कर रही, बंदे परेशान हैं, हालात परेशान हैं, पहले लोग महंगाई से मरे हुए हैं, अब मजीद उस पर ऐसे नाहलों के हमें पल्ले डाल दिया गया कि यहाँ पे कोई दादरसी नहीं है। विहाड़ी शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजरों ने SHO थाना दानेवाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, जब से SHO फरूख सज्जाद तैनात हुआ है, ना तो हम घरों में महफूज हैं और ना ही बाजारों में। आए रोज बाजार में खवातीन से पर्स छीने की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ताजरों ने कहा कि वारदातों के साथ मंशात फरोशी हद से भी तजावुज कर चुकी है, मगर पुलिस है कि खामोशी इख्तियार किए हुए है। इन्होंने कहा कि RPO मुल्तान, DPO विहाड़ी ऐसे अहल SHO को फौरी तौर पर तब्दील करें और अवाम की जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएं। मोहम्मद खालिद, TV99 न्यूज HD, विहाड़ी। अब चलते हैं दुनियापुर की तरफ, जहां शदीद धुंध का राज। दुनियापुर में हद निगाह सिर्फ 10 मीटर तक रह गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई। चमन कोयटा शायरा जंगल पीर अली जई के मुकाम पर टूर प्लाजा के करीब विट्स गाड़ी और डंपर के दरमियान खतरनाक एक्सीडेंट। दो अफराद मौके पर जान बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी। रेड क्रीसेंट की टीम मौके पर पहुंचकर जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकल कर गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोमेंट सिंध नवाबशाह सब ऑफिसर गोलवाला कॉम्प्लेक्स ने नवाबशाह डिवीजन के बाड़े के नोटिफिकेशन कार्ड तकसीम किए गए, जिसकी हदायत सीनियर वाइस चेयरमैन सिंध जबीर अहमद कुरैशी और इन्होंने तहे दिल से मुबारकबाद दी। डिवीजन चेयरमैन शकील अहमद काजी, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रोफेसर सैयद उस्मान अहमद शाह और दीगर ओहदे दौरान ने शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं रादन से, जहां रादन के खानजादा मोहल्ले में डॉक्टर फारूक अहमद लाशारी से मुसल्ला अफराद ने 50,000 नकद और ओप्पो मोबाइल छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाकर बआसानी फरार, पुलिस लाइलम। सुनी तहरीक के टंडू जाम के तहत अमीरुल मुजाहिदीन अलामा खादम हुसैन रिजवी को खराज तहसीन पेश करने के लिए इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार मुनक्कद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। आबाद से हमें मुखातिब करते थे, उनकी बात करते थे। 2 साल मुकम्मल नहीं हुए इलेक्शन, वो इलेक्शन तक मेरी मुलाकात जो आखिरी मेपोखा के सियासी, उस पर हमारी गुफ्तगू हुई अमीरुल मुजाहिदीन से। मेपोखास में जलसा था महाजर कॉलोनी ग्राउंड में, वहां पर मुस्लिम लाए थे इलेक्शन की कैंपेन के दौरान। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल रहा है मुस्तफीर को कि अल्लाह की सोहबत भी नसीब हुई और सियासी और मजहबी मामला में रहनुमाई और जो है गुप्त शरीफ का भी मौका मिला। तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का जो नाम आज सब लोग ले रहे हैं, और इसकी वजह क्या है, जिसमें सुनी तहरीक मीरपुर खास के रहनुमा मोहम्मद फिजान कादरी, हैदराबाद के रहनुमा फरहान खानजादा मोहम्मद चमन नक्शबंदी, जाहिद नक्शबंदी, डॉक्टर सईदुर्रहमान और दीगर ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि अमीरुल मुजाहिदीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज का इस अंदाज में काम किया कि वो गैरत और हमीयत का इस्तारा बन गए हैं। इनका मिशन वही है जो कायद तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद का मिशन था, बल्कि 1400 साल से पूरी उम्मत का मिशन रहा है। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए TV99 न्यूज HD, बोलेगा पाकिस्तान। We'll be right back.